बॉलीवुड में कुछ ऐसे लव स्टोरीज है जिन्हें भूल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उस लिस्ट में एक है सलमान खान और ऐश्वर्या राय की अधूरी लव स्टोरी। इसमें सलमान खान प्यार में हीरो से विलेन बन गई थी। सलमान ऐश्वर्या से बेइंतहा मोहब्बत तो की, लेकिन इनका अंत बहुत बुरा हुआ। आखिर क्यों इनका रिश्ता नहीं चल पाया? इनकी लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी 1997 में हम दिल दे चुके सनम मूवी के वक्त। सलमान खान उस वक्त सोमी अली के साथ सीरियस रिलेशनशिप में थे, लेकिन उस वक्त सलमान के लाइफ में एंट्री हुआ मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय की। ऐश्वर्या की खूबसूरती देखकर सलमान खान पहली नजर में ही उनको दिल दे बैठा था और सोमिया अली के साथ उनका ब्रेकअप हो गया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों और भी करीब आने लगे थे और ऐश्वर्या राय को भी सलमान खान पसंद आने लगे थे। लेकिन इस रिश्ते से ऐश की माता पिता को काफी नाराजगी थी। उन्हें सलमान बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उन्होंने ऐश्वर्या को सलमान से दूर रहने को कह दिया था। इसके चलते ऐश्वर्या ने अपनी माता पिता से दूरी बना ली और अलग फ्लैट में रहने लगे थे। लेकिन एक रात ऐसा आया जब सलमान बहुत नशा करके ऐश्वर्या की फ्लैट की दरवाजा पीटने लगे थे और सलमान की इस हालत को देखकर ऐश्वर्या बहुत डर गए थे और उन्होंने दरवाजा नहीं खोला था। इस बिहेवियर के पीछे के रीजन है सलमान ऐश्वर्या से शादी करना चाहते थे, लेकिन ऐश्वर्या उस वक्त करियर के पीक पे थे और वो सलमान से शादी करना नहीं चाहते थे। इस घटना के बाद ऐश्वर्या के पिता ने सलमान के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसके बाद दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी थी और जब ऐश्वर्या सलमान के फोन नहीं उठाते थे तब सलमान ऐश्वर्या को मारते थे और ऐसे ही उनका रिश्ता धीरे धीरे टूट गया था। ऐश्वर्या ने 2007 में एक्टर अभिषेक बच्चन से शादी कर ली, लेकिन सलमान ने अभी तक शादी नहीं की है। इस मुद्दे पे आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को जरा सपोर्ट कर देना।